से गुड़िया से जानना चाहेंगे, लेकिन कैसे पढ़ने वाली हैं, सब पे भारी है। गुड़िया वेट के हिसाब से तो आप लोगों को गुड़िया भारी लग नहीं रही है, उसकी हरकतें जैसी हरकतें करती हो अपने घर वालों के साथ, आस पड़ोस वालों के साथ, पूरा मोहल्ला उससे परेशान है कि क्या लड़की है, आफत है, मतलब लड़की क्या है वो। मोहल्ला नहीं, तुम्हारा परिवार भी परेशान है। तुम परिवार तो है ही। हाँ। बोला ना कि परिवार तो है ही, साथ में मोहल्ला भी, परिवार वाले चलो चलता है, लेकिन पूरा आस पड़ोस वाले सब परेशान है गुड़िया से। एक तो ऐसी शक्ल उसकी, ठीक है, काली कलूटी, ऊपर से उसकी हरकतें भी ऐसी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर समझती है कि हम बहुत सुंदर हैं, और हाँ मतलब खुश फहमी में रहती है, मतलब अपने आप में ही खुश रहती है वो। अरे कि अरे ऐसा मत बोलो, हम बहुत सुंदर हैं, ऐसे कैसे बोल दिया तुमने कि हमें काला कलूटा। और मुंह तो रुकता ही नहीं है इनका, मतलब बड़ 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 बड़। हाँ बोलती रहती है, हाँ बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, और किसी की बात मानती नहीं है, अपना ही चलाती नहीं, है नहीं। अपना ही लॉजिक है इनका। हाँ, अपनी ही अलग ही दुनिया है, उसने अलग ही दुनिया बना के रखी है उसने अपनी। आपको कैसी लगती है गुड़िया, लेकिन आपने जैसे अभी कहा शादी होने वाली है, मतलब जी माधुरी दीक्षित? नहीं नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ शादी करूँगा तो मैं माधुरी दीक्षित जैसी ही किसी से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो क्योंकि मुझे गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे टाइप की नहीं है, और मैं वैसे मैं सीधा साधा एक छोटे शहर का लड़का हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं कि एक लड़की आए तो ऐसी दिखती हो, ऐसी कदकाठी हो, और गुड़िया जी उसमें कहीं फिट नहीं होती। I'm sorry, but जी ये मुझे ना बहुत यूनिक लगा, क्योंकि मैंने कॉमेडी जॉनर आज तक नहीं किया, बहुत ही सीरियस टाइप के शोज, सीरियस सीन्स, रोना धोना, मारपीट, इसमें मुझे एक बहुत लाइट हार्टेड फीलिंग आई कि अगर मैं रो भी रहा हूँ तो मुझे पता है कि ऑडियंस हंस रही होगी, और अगर मैं पानी में कूद के जान भी देने वाला हूँ तो लोगों के चेहरे पर स्माइल होगी कि बेचारा फंस गया है, यू नो। तो एक इसकी एक्टिंग भी अलग सी है जो हमारे डायरेक्टर ने मुझसे करवाई, बहुत काम किया मुझ पर, सो उस तरह की एक्टिंग करना इज़ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। इट वॉज डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट इन द सेंस इट वॉज डिफरेंट, लाइक हमारा मन वैसे चलता नहीं, हम वैसे सोचते नहीं हैं कि ऑडियंस इस पर हंसेगी कि नहीं हंसेगी, बट इसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि ऐसे एक्सप्रेशन लाओ कि ऑडियंस को एक मज़ा आए, नहीं तो एक रियल जोन में हम बहुत चले जाते हैं। ये ऑफकोर्स रियल है बट विद अ वेरी कॉमिक टच। आपका भी डेब्यू है ये, हाँ। मतलब जब ऑफर आया था इसके लिए तो लाइक कितना प्रिपरेशन और कितने ऑडिशन दिए गए हैं आपने? ओ पूछो मत, बताओ बताओ पूछो मत। हाँ जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी, ऑडिशन दिया था, उसके बाद मेरे अलावा 15 गुड़िया और थी, हम लोग साथ में वर्कशॉप करते थे, लैंग्वेज सीखते थे बुंदेली, करते करते फिर ऑडिशंस, री ऑडिशन, मॉक शूट, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद जाके हम फाइनल हुए, हम गुड़िया बने, फिर खुद को गुड़िया बनाया, होता है ना एक, मतलब निकाल दिया उन्होंने गुड़िया बना के, तो ऐसा उन्होंने सारे का डाला, गुड़िया निकली बाहर, तो गुड़िया ऐसी हो गई। इतने सारे जन और जब अब फाइनल हो चुके थे कि ये शो आपको करना है, गुड़िया का किरदार काफ़ी कॉमेडी है, बहुत कितना मतलब कितना डिफिकल्ट हुआ था कि आप गुड़िया का कैरेक्टर इनबिल्ड करना और कॉमेडी इतना एनहांस करना? नहीं डिफ़िकल्ट तो ज़्यादा नहीं था मेरे लिए, क्योंकि सारिका 50% गुड़िया जैसी ही है रियल लाइफ में, बस ये था कि गुड़िया जितना पॉजिटिव रहती है रियल लाइफ में, सारिका उतनी पॉजिटिव नहीं रहती है, वो एक नेगेटिव थॉट उसके माइंड में आ जाता है, तो बस ये थोड़ा बहुत डिफरेंस था। लेकिन अभी अभी ऐसा है कि अभी सारिका जो सोचती है ना कि उसको भी मतलब जो है, तब वो उस चीज़ को गुड़िया के नज़रिए से देखती है, अरे गुड़िया होती तो क्या करती वहाँ पर, गुड़िया होती तो क्या सोचती, तो अब वो सच में मतलब गुड़िया बन चुकी है। अपना किरदार एंजॉय करते हैं क्योंकि हमें तो देख के काफी एंजॉय। हाँ मुझे भी, मैं गुड़िया प्ले करती हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। लाइक फुल फन शूटिंग के दौरान एकदम मतलब पार्टी चल रही होती है सेट पे, ऐसा लगता है नाच रही होती हैं अपनी भाभी के साथ, गा रही होती हैं, भाग रही होती हैं, मुझे लग रहा है मैं सोचता हूँ कि काम कब करती हो तुम। काम ही करती हूँ, वो काम ही है हमारा सारा, तुम्हें क्या पता कितना काम करते हो। बाकी 15 जो गुड़िया थी उनसे कुछ कहना चाहेंगी? नहीं हेलो तो बोल दो उन्हें। मैं बोलता हूँ हेलो। ओके लास्ट, कब ये टेलीकास्ट होने वाला अगर आप बता दें। हाँ
आने वाला है बस मंडे को. हमारा शो 27 अगस्त को टेलीकास्ट होगा और ये मंडे टू फ्राइडे रात के 9:30 बजे दिखाया जाएगा. प्लीज़ देखें. तो सब लोग आराम से फ्री होके अपनी खाने की प्लेट लेके टीवी के पास बैठ के आराम से हमारा देखें. गुड़िया हमारी सभी पे भारी. फ्री नहीं भी हो तो भी बिजी रह के भी देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको. एंड ये वंस इट्स अ वन ऑफ अ काइंड शो. यस थैंक यू. थैंक यू. काफ़ी अच्छा हमें लगा जो भी आज मतलब प्रोमो दिखाया, काफ़ी अमेजिंग था. एक्चुअली आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या किरदार? ये एक्चुअली मैं अभी सब खोल के नहीं बताऊंगी, बिकॉज जो भी किरदार होगा वो डेफिनेटली बहुत स्पाइसी होगा, कुछ अलग होगा. एंड आई एम ब्लेस्ड कि आई एम डूइंग दिस शो. एंड आपने प्रोमो देखा होगा, प्रोमो इज़ वेरी एक्साइटिंग. इसी महीने से 27 तारीख से आ रही है, तो आप ज़रूर वो शो देखें. मेरा किरदार अभी तक फ़िलहाल मैंने अपना पहला सीन भी शूट नहीं किया है, बट जितना मुझे बताया गया है एक्चुअली इट्स वेरी एक्साइटिंग. तो मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि मेरे किरदार को देखने के लिए आप शो को ज़रूर देखें. एक्चुअली हर एक्टर के लिए ये बहुत हर एक्टर चाहता है कि उसको कुछ अलग करने को मिले. एंड दिस शो इज़ ऑल्सो कि मैं जैसा चाहती थी कि एक अलग जोनर का काम है जिसको मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था, तो ये मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला है. फ़िलहाल एमपी से मेरा लेना देना नहीं है, बट एमपी की फैमिली है और एमपी के लैंग्वेज और एमपी का किरदार है जो बहुत ही रियलिस्टिक है, लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है. दूसरी चीज़ कि ये एक आम सीरियल से हटकर है और पब्लिक हमेशा उसी को पसंद करती है जो थोड़ा हटकर हो. अभी तक ईश्वर की कृपा रही है कि जो भी शो मैंने आज तक किया है वो हमेशा हटकर रहा है और वो बहुत क्लिक किया है. तो मैं एकदम श्योर हूँ इस मुद्दे को लेके कि ये जो सीरियल आ रहा है ये भी बहुत हटकर है और ये ज़ोरदार हिट होने वाला है. हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि किरदार कभी भी एक्सट्रीम ब्लैक एक्सट्रीम वाइट होता नहीं है. किरदार हमेशा एक ग्रे शेड में होता है. एंड मुझे ये किरदार इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये किरदार ग्रे शेड में है. इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप नेगेटिव किरदार परफॉर्म कर रहे हो तो आप किसी भी हद तक जाके आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हो, या फिर आप एक्सट्रीम पॉजिटिव कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ और वही कर रहे हो, ऐसा नहीं है. क्योंकि किरदार कभी ऐसा होता भी नहीं है. अगर रियलिटी में आप देखें तो उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ मिक्स होती हैं. तो इसी अच्छाइयों और बुराइयों का मिक्सचर है फूला का किरदार. नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है और नाम जैसा है वैसा ही ये काम भी करती है. देखिए ये पैदा ही शायद बहुत सारी अड़चनों के बीच में हुई है. इसके साथ लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ, जैसी इसकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ हुआ नहीं इसके साथ. तो जनरली क्या होता है कि आपके साथ अच्छा नहीं होता तो आप अच्छा करते भी नहीं हैं, आप उसका रिवेंज कहीं ना कहीं दूसरी जगह लेना चाहते हैं. तो वो ले रही है नॉन स्टॉप, अपने हालातों से मुकाबला करती है और बदला लेती है, अपने साथ बुरे हुए को दूसरे तरीके से निकालते. तो डेफिनेटली हाँ, गुड़िया भी कहीं ना कहीं चपेट में आएगी. तो पब्लिक को मैं कहना चाहूँगी कि आप इस शो को ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही आपको अंदर से गुदगुदाने वाली है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो वेरी मच. और आइडिया तो समता जी का है, समता जी का बेबी है. समता ने लिखना शुरू किया और हम भी जुड़ गए इस सफ़र में साथ में समता के. तो अब मिलके लिखते हैं हम लोग. थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो मेरा हो सकता है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ. और चैलेंजिंग है एक्टिंग करना और उसके बाद में फिर लिखना भी, तो वक्त लगता है पर करते हैं, मज़ा आता है, इसीलिए तो ये काम करते हैं. मैम कहाँ से आया आइडिया, आप ही का बेबी है जी.
आइडिया मेरी एक दूर की रिश्तेदार बहन थी, तो उन्होंने मतलब उनका कुछ चीज़ें थी जो गुड़िया से काफ़ी मिलती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था। वो मेरी उम्र की थी लेकिन मैं उनको ऐसे देखती थी खेलते हुए भी कि यार ये बड़ी मज़ेदार है, इनके साथ बड़ा मज़ा आता है। तो मैं बड़ी हो गई तब भी उनके कुछ किस्से मुझे याद थे और मैं सोचती थी कि यार ऐसा क्या था उनमें कि उनको कई बार लोग कहते थे बुद्धू है, ये है, ऐसी है, लेकिन मुझे वो हमेशा से बहुत सही लगती थी। मुझे लगता था यार बात तो ये सही कर रही है। फिर जब बड़े हुए और ये समझ आई तो तब लगा कि यार वैसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम सब होते हैं वो होना बहुत आसान है, लेकिन गुड़िया जैसा होना मुश्किल है जो हमेशा सबके मुंह पे सच बोल दे। अगर उसको आपका कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो तो सीधा बोल दे कि ऐसे काहे देख रही हैं हमें, है ना। तो मतलब ऐसा इंसान होना बड़ा मुश्किल है, तो उसकी कहानी लिखी जाए। क्योंकि तो बस फिर सोचा तो लिखते हैं, तो लिख दिया। तो आप लोग तो एक्टिंग करते हैं, बट एक राइटर कोई भी शो का बैकबोन होता है, तो एक राइटर का रोल प्ले करना कितना डिफिकल्ट है? अरे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं वैसे तो मैं काफ़ी बचपन से लिखती आ रही हूँ कविताएं, कहानियां, प्लेज भी लिखे हैं जो शूट भी हुए हैं, लेकिन इस तरह से डेली लिखना और एक किरदार पे इतना लिखना, उसके इर्द गिर्द कहानी रचना, मतलब ये इतना मज़ेदार है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब समता तो पता नहीं कहाँ है, एक गुड़िया है जो लिखती रहती है और उसको बड़ा मज़ा आता है। नई नई सिचुएशंस होती हैं, उसमें खुद को डालती हूँ मैं और मैं सोचती हूँ मैं गुड़िया हूँ और मैं लिखती हूँ, तो लाइंस भी वैसी ही निकलती हैं। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, गुड़िया निकलता है अंदर से। जी आप किस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से उनको एक सहारा दे रहे हैं, बीइंग अ राइटर, बीइंग अ एक्टर? मैं तो मजाक में कई बार ही कहता हूँ कि भाई बेबी आपका है लेकिन नैपीज तो हम भी चेंज करते हैं उसकी कभी कभी। पर गुड़िया अपने आप में कॉन्सेप्ट ही इतना प्यारा है कि आपको काम करते हुए उसको प्रोटेक्ट करने का मन करने लग जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा टैक्सिंग ज़रूर है, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक जगह से एक्टिंग करके बाहर निकलते हो, बीच में जो वक्त मिलता है उसमें आप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हो, आइडिएशन पे काम कर रहे होते हो, मीटिंग्स होती हैं, ये सब होता है, लेकिन बहुत मज़ेदार है, ट्रस्ट मी। तो बस लोगों को ये पसंद आ जाए, शो लोग देख लें तो और मेहनत वसूल हो जाए। आपके किरदार के बारे में भी जानना चाहेंगे, आप खुद इसमें माँ बनी? जी 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 जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही प्यारा सरला जो है, तो आप समझ लीजिए कि गुड़िया को जिसने पैदा किया है वो सरला है, तो वो कैसी होगी? तो वो भले लाख शिकायतें करती है कि गुड़िया ये ऐसा करती है, किसी के भी मौ पे कचू भी बोल देता है, जो मौड़ी जे है वो है, लेकिन दिल ही दिल वो भी कुछ कुछ गुड़िया जैसी है। तो बड़ा प्यारा सा किरदार है, वो ऊपर से बहुत गुस्से वाली कई बार लगती है कि अरे यार ये बहुत ही खड़ूस है, चार 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 करती रहती है, लेकिन मन जो है उसका बहुत सुंदर है और वो सुंदरता देखने के लिए आप शो देखेंगे। मैं गुड़िया का फादर प्ले कर रहा हूँ इसमें, मेरा नाम राधे है। जैसा कि समता ने बताया कि गुड़िया जो है वो अपनी माँ पे गई है, तो आप सोच लीजिए हम दो दो गुड़िया एक साथ हमारे साथ एक ही बार में एक आदमी, तो पर बहुत मज़ेदार है, दोनों बड़े प्यारे लोग हैं और हम खुद भी बड़े प्यारे इंसान हैं, तो हम खुश रहना है, मतलब लोगों के साथ मज़ा आता है, हमें अच्छा लगता है इन लोगों के साथ में, ये हमारा कैरेक्टर है। जी तो ये आने वाली 27 अगस्त 2019 से सोमवार से शुक्रवार एंड टीवी पर रात को 9:30 बजे आपसे हमारी मुलाकात होगी। मजा आ रहा हो ना, तो हम बता रहे हैं, देखो का है कि आप लोग देख रहे हो टीवी के अंदर और हम बोल रहे हैं टीवी के अंदर से, लेकिन ये समझो कि बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं। तो भैया 27 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार एन टीवी पे रात को 9:30 बजे हमारा शो आ है, शो को का नाम है गुड़िया हमारी सभी पे भारी, तो वो शो देखना है आपको, कसम है हम आई है, देखो देखियो, बता दे रहे हैं हम। Thank you. Thank you so much.